गाइस टाइम मिला है तो बात कर लेते हैं इस ट्रेन की सर्विसेज की। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज तो दोस्तों एक मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा बना लिया है इन राजधानी वालों ने, कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं बदलेंगे। मतलब आज सिर्फ एक ही चीज़ बात करूँगा मैं, लोग बोलते हैं राजधानी तेज़ है, कम स्टेशन पे रुकती है, ऐसा होता है वैसा होता है। यार आप लोग खाने इतना पैसा खर्चते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, हवा में छलांगे मार रहा है इनका प्राइस। रेट देख रहे हो इनके फर्स्ट एसी का 5,500 रुपये, भाई कौन लेता है 5,500 रुपये। फिर थर्ड सेकेंड एसी देखो 4,000-4,500 रुपये, इतने फ्लाइट आती है मानते हो ना। ये सिर्फ ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है, ये भुवनेश्वर से दिल्ली जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी क्या हर एक की बात कर रहा हूँ। कितनी बैंगलोर राजधानी देख लो, ये राजधानी देख लो, वो राजधानी देख लो, हर एक में इन्होंने कसम खा रखी है कि बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है फूड का। आप खुद देखिए यार, जब भी आपने देखा वो फूड आता है और जैसे ही आप उसको अनकवर करते हो और वो पीली दाल दिखती है, मतलब मरीजों को नहीं सर्व करते वो फूड, बोला गंदे किस्म का फूड होता है, कसम खाई है इन्होंने। वो पनीर, वो दही पकड़ा हुआ है मदर चॉइस का, कौन सा है वो परांठे, और वो गंदी सी पीली दाल, मतलब जैसे वो मैंने कहा ना बीमार होते हैं वो वार्ड में नहीं आता है वो लेके, पीली दाल की मरीज़ है, इसको पतली दाल खिलाओ डाइजेस्ट ईजिली होगी, मतलब इन्होंने कसम सोच के रखा है कि मरीज़ हैं सारे। यार इतना घटिया खाना बनाते हैं यार, कोई कुजींस ऐड क्यों नहीं करते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। एक चाउमीन यार आप ऑनलाइन ऑप्शन क्यों नहीं रखते हो कि बंदा अपना फूड खुद सेलेक्ट कर सके, चाउमीन, चाइनीज़, परांठे, पूरी, छोले, आलू, कुछ भी यार, कुछ भी। एक दो तीन दिन दिन इतना फेयर आप चार्ज करते हो, खाना देते हो रद्दी फूड, ये पीली दाल खाने के लिए, मतलब दो दो दिन हम बैठे हैं। हमारे इंडियंस का हर एक के लिए फूड इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है यार आजकल की लाइफ में, क्योंकि देखो यार आप अभी कह रहे हैं यार कि हम इतनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, इतनी अच्छी जगह घूम के आते हैं, इनका खाना ना बेड़ा कर कर देता है हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा घटिया हो गया। मतलब जिन लोगों को लगता है ना कि अभी नेक्स्ट टाइम वो आएंगे और इसका फूड बदला हुआ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वही सेम फूड मिलेगा आपको, वही रीति रिवाज चला रखे हैं इन्होंने, कुछ नहीं बदला है, वही खाना, वही सब कुछ। क्यों ट्रैवल करें फिर, इससे अच्छा तो किसी और ट्रेन में जाएं, अपनी मर्ज़ी से मंगवा लें कुछ भी। जो मैंने किया बिरयानी नहीं बना सकते, इतनी सी चीज़ नहीं डाल सकते, कुछ भी यार, कुछ भी ऐड कर दो कुजींस में, मतलब इतना बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने फूड का। मैं इतना हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ और चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हाई ऑफिशियल तक पहुँचे, इतना पहुँचे कि वो मजबूर हो जाएँ चेंज करने पर। मतलब इतना पागल हो गया हूँ आज मैं कि अपने ट्रैवल व्लॉग में से स्पेशली एक व्लॉग क्रिएट करना पड़ा है मेरे को मजबूर होकर इनके फूड पे। इतना वेला हूँ यार मैं, इतना टाइम लगता है साला एडिटिंग करने में, शॉट्स लेने में, एडिटिंग करने में, व्लॉग अपलोड करने में, नेट खर्च होता है, मतलब इनके फूड के लिए ये सब, ये देखो ये आया है, ये कबाड़ आया सामने, ये देखो पीली दाल, वो पनीर, ये रात को खाना आया जब मैं ट्रैवल कर रहा था, और वो पराठा, और वही दही मदर डेरी। तो इन्होंने हदें पार कर दी, आई विश ये सुधरे यार। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो भाइयों, अपना फूड, तुम्हारे टेस्ट बड्स अगर ऐसे हैं तो हमारे नहीं हैं, हम बड़ा अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, पैसे भी अच्छे देते हैं, तो कृपा कीजिए और फूड अच्छा दीजिए।